प्रूव किया इनू की अधिकार है इतने बोलन का और झूठ बोलन का। थोनू पता है साड़ी रकम किन्नी है पंजाब च, सारा पंजाब का अगर तुसी धन जोड़ लो 5,35,000 करोड़ GSDP है साड़ी और 70% असी उहदा उधारा ले चुके हैं। तुसी आपने दुकाना तुसी बिजनेस वाले बैठे हो रहे मैनू दसो अगर तुसी 70% उधार ले लैंदे हो अपने बिजनेस के खिलाफ किन्नी देर थोड़ी बिजली चलूगी, कैसे थोड़ा काम चलूगा। और इन्हां नू पता है कि इन्होंने कोल है नहीं कुछ पल्ले है नहीं ना पैसा है ना कुछ है, पर बोलते ने इसलिए लोगों को गुमराह करने लिए कि वोटा लैनिया ने वोटा लैनिया ने असी ये वोटा का एक कम मसला है सिर्फ। और यही नहीं थोड़ा ये जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है वह कहता हर बेटी नू मैं दूंगा 1,000 रुपया महीने का 12,000 रुपया साल का, थोनू पता वो कि बन जाता है 125,00,000 करोड़ रुपया। वह भी झूठ इधर भी झूठ और गुमराह कौन होंगे ने मासूम लोग जो साढ़े पंजाब के ने मेरे वीरों इन्हों हथा नहीं होना अपने खेलना। आप चाहते अपने बच्चों वास्ते अपने पंजाब को बना तगड़ा और वो मैं चाहना कि आपने रल के तुसी मैं भाजपा साढ़े BJP के जो मुख प्रधानमंत्री ने जिन्हें जानते ने कि इतने की हो रहा है इतने इस देश के और इतने खास करके इतने साढ़े बॉर्डर बैल्ट 600 किलोमीटर का बॉर्डर बैल्ट पाकिस्तान का अंगूठा साढ़े गले चीन का अंगूठा साढ़े गले और हूँ आ अफगानी बैठ गए और कुछ दिन पहला जो साढ़े चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का वाकया होया उस पहला उन्होंने एक बयान दिता सी, उन्होंने कहा सी कि इत्थे जिहड़े साढ़े हुण देख लेना अफगानिस्तान तो ये तालिबान ने आके साढ़े इत्थे बॉर्डर के उपर बैठना है, कारगिल का बॉर्डर जिथे भी साढ़े इधर बॉर्डर पाकिस्तान के नाल जुड़ते हैं। तो पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान और पंजाब का बॉर्डर हर वेले ये सरहद रही है, तुहानू तो पता इन्हां दे वास्ते किन्ना 60 बिलियन डॉलर इन्होंने ग्वादर पोर्ट बनाया उत्थे पाकिस्तान के ताकि चीन की नेवी उत्थे आ सकती है, काराकोरम हाईवे उत्थे जाती है, हुण काराकोरम रेंज के थले सुरंग बना के ट्रेना कर रहे ने तिब्बतों ताकि जाके इत्थे अगर असी ब्लॉकेट कर दिए अरेबियन सी का कराची का एरिया तो इधरों आके इधरों बढ़ सकते हैं बिच। और आपां इदां दा कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान किस गल दा, किसी नूं फड़ लो किसी नूं थोड़ा परचे कर लो आ इस जिहड़ी हुकूमत है पता नहीं मेरे जाण तों बाद 18 सितंबर नूं मैं गया कोई 40,00,000 करोड़ दा तां इन्होंने ऐसे ही बनते देखे नहीं तुसी, मैं आउंदा सी इत्थे बठिंडे उह देख रहा सी कोई दिन लंघदे कि कोई अखबार के पूरे पूरे सफे नहीं लाते इतने सब झूठ बोलने चाहे मुख्यमंत्री बोले चाहे प्रधान बोले चाहे कोई बोले। इन्हों पता है कि कुछ दिनों के कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जानी है उरे तो जिन्ना मर्जी तुम झूठ बोल लो लोगों को गुमराह कर लो यही थोड़े वास्ते एक अज कम इस करके मेरे वीरों और मेरे भैनों ये दिन जड़ा है ये साढ़े वास्ते बॉर्डर के उपर अपना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपने और इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नू याद रखो पंजाब साड़ी सुरक्षा कर दी है साढ़े मुल्क की और आज सुरक्षा का बॉर्डर है 500-600 किलोमीटर जिते सैकड़े ही सैकड़े हजार लोग इतने शहीद हुए ने अपने देश की हिफाजत वास्ते और देश आपने रखना है इनू टोटल अपन मजबूती सिक्योरिटी अपन रखनी है। असी अपने पंजाब वास्ते बहुत कुछ किया सी, मैं पहली गल तो हर पंजाबी नू मैं 5,00,000 रुपये का उन्होंने बीमा कराया सी ताकि कोई भी होए गरीब तो गरीब जिदे कोई उन्हों कोई कोई किसी किस्म की हॉस्पिटल की जान की लोड़ होए और सरकारी महकमें के साथ को कोई प्रबंध नहीं तो वह गल्ला नू लोग उतों किसी भी हॉस्पिटल दिल्ली के पंजाब के जा सकते हैं फोर्टिस मैक्स जिते भी
और 5 लाख रुपए का अपना परिवार का उत्थे इलाज करवा सकते हैं। असी किया इन्होंने नहीं किया, कहते ने असी किया पर किया कुछ नहीं ना। ये चीज़ जिहड़ियां असी इत्थे शगन स्कीम च कीती, मैं 51,000 हर बेटी नूं जिहड़ी साडी बेटी का ब्याह हुंदा, जिहड़ी मैं उत्थे पेंशनां दिंदियां सी, जिहड़ी 500 रुपए पेंशन सी मैं 1500 रुपए करती सारे वास्ते पेंशन, ये असी कीती इन्होंने नहीं कीती। और हुण अजीब गल ये है, एक पासे कहते ने कि अमरिंदर सिंह नूं बदलने की लोड़ सानू इस लई पई कि ये जिहड़े कम कार ने आ मैनीफेस्टो दे पूरे नहीं होए। मेरे वीरो इस जिहड़ी 92% मैनीफेस्टो मैं 18 सितंबर तो पहला पूरा करके गया सी 92%। और हुण हसी की गल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ने PCC वाले सिद्धू वगैरह, और हुण कहते ने कि असी लोगों को जो साढ़े 5 साल का असी बरामद की अपने सूबे वास्ते 5 साल वो असी लोगों के कोल ला के कहेंगे कि असी थोड़े वास्ते काम किया। पहला तो कह दो अमरिंदर सिंह ने कुछ नहीं किया, फिर कहते और ये 5 साल के 409 महीने मैं इतने की सरकार चलाई सी। और आ देख लो कहते कांग्रेस विल गो टू द पीपल विद आर 5-year रिपोर्ट कार्ड। तब अगर मैं नहीं कुछ किया फिर तुम कि रिपोर्ट कार्ड लेके जाऊंगे? ये है झूठ, ये है गुमराह करना, ये है थोड़ी वोटा लैन का, जो उन्होंने पता है कि कहीं गल्लां सिरे नहीं चढ़नियां, इस करके आप इस काम च नहीं आना। तगड़े रहो, कोई गल नहीं, बारिश आती रहती है, अपने किसानी वास्ते अच्छी है, अपनी फसलों वास्ते अच्छी है, अच्छे तरीके वाहिगुरु करे फसल सानू हुण मिले। और मैं आस करदा कि आप हुण पिछे किसी गल नहीं रहना। मेरा वायदा सी पंजाब नाल कि जदों मेरी सरकार रहू 1 लाख करोड़ रुपये की मैं इंडस्ट्री लगानी है अपनी धरती के उपर, MOEM जेडे अमीन सलाह या किसी की मशवरा करने वास्ते नहीं, किसी नाल गलबात करके नहीं, लेकिन धरती के उपर बिल्डिंग बननी चाहिए है 1 लाख करोड़ की। और मैं खुशी होंगी दस दिए थोनू कि 18 सितंबर तो पहला असं पूरा करता सी और 1 लाख करोड़ हूँ पंजाब की धरती से लग रही है, साड़ी आर्थिकता मजबूत हो और उत्थे साडे बच्चों का नौकरियां। फिर कहने ने कि अमरिंदर सिंह कोई नौकरियां नहीं दे सकया, थोनू पता है मैंने किन्नियां नौकरियां दित्तियां ने पंजाब च 4.5 साल 22 लाख, उहदे विचों 1,60,000 सरकारी नौकरियां और बाकी जो इंडस्ट्री दे विच। एक बेटी आई सी मैं तो चैक लैन वास्ते, क्योंकि जो प्राइवेट इंडस्ट्री तो भी असी उन्होंने जोड़िया सी और उन्हें मेरे तो चैक लिता, तुहानू पता कि राशि मिली सी उस कंपनी तो 42 लाख साल का। छोटी गल हुंदी है, छोटी जी लड़की अपनी यूनिवर्सिटी तो निकल के आई है और इस किस्म का ये चाहते असी पंजाब वास्ते। आ नहीं जड़े दंगे फसाद करवाते हैं, राय जी गल करवाते हैं और पता नहीं मुख्यमंत्री कुछ बोलता है, उन्हों का प्रधान कुछ होर बोलता है, उन्हों का होम मिनिस्टर कुछ होर बोलता है, इन्हों आपस ही पता नहीं। ला लिया इन्होंने कर लैन ला लैन जोर। एक मैं थोनों दस दिना अज कि वाहगुरु करे पंजाब दे विच साड़ी सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और असी उन्होंने नाल होवांगे इस सरकार दे विच। लोग चाहते ने पंजाब का भविख, लोग चाहते ने साडे बच्चों का भविख और वह भविख अज असी इत्थे पार्टी लैके देखे। आ नहीं बनौटी काम जो करते हैं, या केजरीवाल झूठ बोली जाता है, एक पास ये झूठ बोली जाते हैं बस झूठ वोटा लैन वास्ते। तो अज कोई गल नहीं, मौसम बदलती रहती है, इन्ना है कि प्रधानमंत्री जी के आने नाल प्रबंध होने नाल बारिश पई, पंजाब का किसान खुश है और सुखी रहूगा और तुसी सारे वाहगुरु करे तुसी सुखी रहो, थोड़े परिवार सुखी रहन और हर वेले चढ़दी कला च रहना है, कदे
होर सोच नहीं होनी चाहिए, हर वेले थोड़े मन दे विच चढ़दी कला और पंजाब दा पना, देश दा पना। जय हिंद। बहुत बहुत सत्कारयोग।